आप सब ठीक होंगे। तो जी आज जो है अभी मैं काम पे जा रही हूँ। बाहर बहुत डार्क है और आज सभी कह रहे हैं कि रोटियां खा के जो है वो तंग पड़ चुके हैं, अब हमने रोटी नहीं खानी और आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो आज भी मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। वैसे उसे वापस आज भी अभी तो मैं जा रही हूँ, तो स्कूल से वापस आते आते मैं लेके आऊँगी चिकन मिन्स और चिकन की जो है मैं आपके सामने बनाऊँगी कबाब। बहुत आसान है, ऑयल फ्री बनेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ काम से वापस आ चुकी हूँ और मैं अपना ये कीमा उठा के ले आई थी आते आते। तो जी यहाँ पे जब एक दफ़ा आप गाड़ी चला लो तो आपके ऊपर जो है ज़िम्मेदारी पड़ जाती है कि आपने ही लेके आना है, दिल आपका करे बेशक ना करे पाकिस्तान में ऐसा आप हर चीज़ बाहर से मंगा लेते हैं। तो जी बात वापस चलते हैं अपनी सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा ये था कि जी ये टैमो से मैंने मशीन ली है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो इसके साथ मेरी जंग चल रही थी कि मैं इसको खींच के चलाने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा, एक पोटैटो लिया, एक बड़ा ओनियन लिया है। ये देखिए 3 से 4 जो है वो लहसन की छोटी छोटी पीसीज लिए हैं। लहसन जो है वो ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि लहसन का ये है कि उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लेकिन अदरक जो है वो आपकी जो जिंजर है वो जितनी मर्ज़ी डाल लें वो बड़ी अच्छी होती है। सर्दी है तो फिर तो बेशक आप ज़्यादा डालें, डबल डालें। लेकिन मैंने एक बड़ा पीस लिया था, साथ में ग्रीन चिलीज़ हैं, देखिए सब्ज़ धनिया है। तो ये चीज़ें लाजमी आपको ये हरा मसाला सा चाहिए है क्योंकि फिर ये कबाब में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक मशीन निकालनी, मैंने गिव अप कर दिया। उसके साथ तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक में घुमा फिरा लूँ, तो मैंने यहाँ पर ये इसको लिया, इसको घुमाया फिराया और 30 सेकंड में उसने ये मुझे सारा मसाला पीस दिया। तो अब आपने ये सारी चीज़ें अपने कीमे में डाल लेनी है। अगर आपके पास मिन्स ना हो तो आप थोड़ा सा चिकन बोनलेस उसको भी सारी चीज़ों को मिला के इसी फूड प्रोसेसर में मिक्स कर सकती हैं, उससे भी बड़े अच्छे कबाब बनते हैं। तो जी ये एक अंडा इसके साथ जाएगा और ये एक शान का मेरे पास चपली कबाब मसाला है, ये मैंने इसमें डाल दिया। तो बस ये चीज़ें इसमें डालनी है और कुछ नहीं जाना। मेरी मदद जो है वो ज़रा सॉल्ट की शौकीन है, वो उनको थोड़ा नमक जो है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उनके लिए डाल रही हूँ, नहीं तो वैसे आपको सॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से हाथ से इनको कर देना है मिक्स। तो जी रोटी जो है वो उसका एक इशू है कि जी सभी जो कह रहे होते हैं हमने रोटी नहीं खानी या एक ही चीज़ खा खा के थोड़े फेडअप हो गए हैं, क्योंकि सालन एक तरह के बन रहे होते हैं। रोटी तो बेचारी कुछ नहीं कहती। असल मसला जो है वो लड़ाई दुश्मनी सारी सालनों से है कि वही सालन पक पक के कई दफ़ा बच्चे भी कह रहे होते हैं वो एनाइटिंग। तो इसलिए फिर ये जो है कबाब जो है ये बेचारे हमारी बड़ी मदद कराते हैं। मैं कहती हूँ ये बुरे वक्तों के लिए एक क्या कहते हैं एक मोजज़ा ही है कि आप जो है वो बच्चों को फटाफट इनको निकाल दें, इसको बर्गर में डाल दो, इसको इसके रैप में डाल दें, आप इसको ब्रेड में डाल दो। इसके साथ बड़ा कुछ विचारों के साथ ना जो हो जाता है, इसी एक रेसिपी से बड़ा और भी बड़ा कुछ बनता है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर शेयर करूँगी। तो या इस पॉइंट पे अब कुछ जो है लोग ये कहते हैं जी हमारा तो मिन्स जो है वो पतला हो गया था, हमसे नहीं बनता है, कीमा की शेप नहीं बनी, चिकन मिन्स पतला होता है। तो आपने क्या करना है, आपने हाथों को लगा लेना है पानी अच्छे से और उसके साथ बना के आपने बस इस तरह से प्रेस करके जो है वो अपने गर्म पैन है उसमें डालते जाएं। ये देखिए अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने ऑयल नहीं डाला। डालना हो तो आप बहुत थोड़ा सा 1 आधा चम्मच डाल सकते हैं, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैन ही स्पेशल जो है नॉन स्टिक है, इसमें आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो चिकन का ये जो अपना पानी भी निकल जाता है इसके कबाब का और उसी से ये पक जाएंगे दोनों साइडों पे। तो एक साइड आपने अच्छे से पहले पका ली 2-3 मिनट और फिर दूसरी साइड पका ली, तो बस 4 से 5 मिनट लगते हैं। चिकन का मिन्स तो उसी वक्त बन जाता है। तो अच्छे से आपने इनको प्रेस करके दोनों साइडों से पका लेना। जब इसका जो है वो पानी निकलना बंद हो जाए तो उसके बाद फिर 2 मिनट में ये जो है वो रेडी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो अपना इसका नेचुरल वाटर होता है चिकन का वो जब तक निकलता रहे तो ये निशानी होती है कि ये थोड़े कच्चे हैं। तो जी यहाँ पे बन गए कबाब। 5 मिनट देखें लगते हैं, 5 मिनट में ये आपकी मील रेडी है। हमने तो इसके साथ बीन्स और दूसरी चीज़ें जो है वो खाई थी, लेकिन बच्चों को फिर मैंने थोड़े से चिप्स बना दिए। तो ये थोड़े ऑयली होते हैं तो हम लोग तो अवॉइड करते हैं, लेकिन बच्चों को मैं कभी कभी दे देती हूँ इस तरह के। तो फ्रेश पोटैटोज़ इस तरह से काट के, थोड़ा सा बेसन इसमें डाला है, थोड़ा सा जो है वो इसमें गया चिली जो क्या उसको कहते हैं हमारा पेपरिका पाउडर, चाहे तो आप चिली पाउडर भी डाल सकती हैं, और सॉल्ट। और जी कोई भी चीज़ आप जो है वो अल्टरनेटिव आपके पास ना हो एक चीज़ तो दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो कर लिया करें। तो ये सारी चीज़ें डाली, इनको जो है वो फिर हमने उसमें कहते हैं गरम तेल में जैसे नॉर्मली फ्राई करते हैं तो उसमें आपने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा भी डाला था तो वो जो है वो स्किप हो गया। तो अंडा ना भी हो बेशक ना भी डालने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये था कि ज़रा साथ ज़्यादा जुड़ जाता है, लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अंडे के बगैर भी बनाती हूँ। तो जी बात हो रही थी रोटियों की। तो कई दफ़ा एक ही चीज़ खा के जो है वो हम फेडअप हो चुके हैं, हालांकि रोटी जो है वो हेल्दी मील है। रोटी मुझे नहीं लगता कि रोटी के साथ कोई भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है या रोटी अच्छी चीज़ नहीं है। रोटी बहुत अच्छी फूड है। तो उसके साथ सालनों का ज़रा मसला हो जाता है। तो अगर आपको भी मेरी तरह ज़रा मुश्किल पेश आ रही है या एक ही चीज़ बना बना के बच्चे भी फेडअप हो गए हैं, बड़े भी हैं, तो आप जो है वो फिर बनाएं। मैंने बनाया हुआ है पूरा अपना मेन्यू कि मैंने एक वीक में जो है वो फिर चीज़ रिपीट नहीं करनी। पहले मैं ऐसे करती थी, चलो जो चीज़ हाथ आई यही बात होती थी, आए आज क्या पकाएं। हर घर का मसला यही होता है कि पकाएं क्या समझ नहीं आ रही होती पकाना क्या है। तो जी अब ये देखें, ये एक डिप जो इसकी बननी है ऑल इन वन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बर्गर का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा और आप KFC मैकडोनल्ड, मैं कहती हूँ जितने 5 स्टार बाहर के हैं वो भूल जाएंगे इसके साथ। तो इसमें मैंने डाली थी जी कैबेज बारीक बारीक काट के, क्यूकम्बर, ये एक जो है इसके अंदर डली है शिमला मिर्च रेड वाली, चाहे तो आप छोटा सा एक टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला था। और साथ में ये देखिए मैंने ओनियन इसके अंदर गया है और इसके अंदर क्यूकम्बर गया है, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, कैबेज हो, वो सारी चीज़ें इस तरह बारीक बारीक काट के इसमें डालनी है। ये है जी चिली सॉस है, ये काफ़ी तेज़ होता है, इसका तीखा जो है वो स्पाइसी से टेस्ट होता है, ये इसके अंदर गया है। थोड़े से मेयोनीज़ गए हैं और थोड़ी सी देखिए चीज़ मैंने डाली है। और अगर आपके पास एक आधी चीज़ ना भी अवेलेबल हो तो बेशक आप स्किप भी कर दें। साथ में सिर्फ आपने इसके अंदर डालनी है जी ब्लैक पेपर थोड़ी सी और इसको कर लेना है मिक्स। तो ये ऑल इन वन है, इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में ही हर चीज़ चली जाती है। तो आपका ये देखिए ये रेडी हो गया। चिप्स आपके साथ साइड पे, आप कोई भी चीज़ साइड पे ले लें। तो इस तरह के मैंने बन लिए थे। ये जो है ये स्प्लिट इसी तरह से मिलते हैं और ये ज़रा थोड़े सॉफ्ट होते हैं, होते ज़रा छोटे हैं साइज़ में लेकिन सॉफ्ट होते हैं। और इसमें जो है वो बर्गर का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है क्योंकि ये ख़ुद भी जो है वो स्वीट नहीं है। कुछ बर्गर जो होते हैं वो बंद स्वीट होते हैं, मुझे उसका इतना फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल वो भी कोई से भी हो चल जाएंगे। तो जी मैं आपको बता रही थी मेन्यू का। अगर एक हफ़्ते का मेन्यू आप डिसाइड नहीं करते या उसको आप ये नहीं देखते कि मैंने आज ये बनाना है, कल ये बनाना है, परसों ये बनाना है, तरसों ये करना है, तो फिर आप जो है वो हमेशा आपकी यही चलती रहेगी, आज क्या पकाएं। इन्हीं मसलों में आप घूमते फिरते रहेंगे और यही आपके घर में जो चलता रहेगा, बच्चे नहीं खा रहे, बड़ों को ये पसंद नहीं है, छोटों को ये पसंद है, तो इस चक्कर में तो आप जो ना बिल्कुल बंदा घूम जाता है और इसी में ही सारा दिन एक माँ का बेचारी का गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर लिया, उसको दोनों साइडों से थोड़ा सा टोस्ट कर लिया, इनको थोड़ा गर्म कर लिया और अब बस आपने आसानी से इसको कर लेना है असेंबल, क्योंकि ये हर चीज़ इसमें अब लगी हुई है, एक्स्ट्रा से कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इन वन आपके पास आपका सॉस जो है वो रेडी है। तो ये बहुत मज़े का, ये मैंने खुद से इन्वेंट करती रहती हूँ मैं सारी वैरायटीज़। तो मैंने कभी किसी की जो है ना वो कॉपी नहीं की या कभी किसी से मतलब कि वो नहीं किया। तो ये देखिए, इसीलिए टेस्ट जो है वो नया नया आता है, नया एक्सपीरियंस करें, नया टेस्ट आता है। एक ही टेस्ट खा खा के आपको लगता है कि आप फेडअप हो गए। तो जी ये बहुत मज़े का मील 5 मिनट में रेडी, बच्चे बड़े सब का जो है वो फेवरेट है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।